गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट टू पेपर टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, इन विषय पर परिचर्चा करेंगे। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन से क्या समझते हैं? जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कोई भी नियम अगर वो संविधान के विपरीत है तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करना, यानी यह न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करती है। न्यायपालिका यह देखती है कि जो कानून या जो प्रशासनिक नीतियां अपनाई गई हैं वो संवैधानिक है या नहीं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि विधायिका इस तरह का कानून बनाए जो संविधान के विपरीत हो या जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो ऐसे कानून को जो है न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी प्रकार से अगर कार्यपालिका भी ऐसा कोई नियम बनाती है या कानून बनाती है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो तो ऐसे जो कानून है उसे न्यायपालिका जो है असंवैधानिक घोषित कर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और न्यायपालिका की यह जो शक्ति है उसे जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। कैरविन के शब्दों में जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है न्यायालयों की उस शक्ति से जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधता का निर्णय लेने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझे। एक्चुअल में ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी ये मारबरी बनाम मेडिसन केस में 1803 के अंदर अगर हम बात करें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को एक्सरसाइज किया था। हालांकि भारतीय संविधान के अंदर ये कहीं पर भी जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो क्लियरली, तो अगर हम देखें तो संविधान में कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 246, 268, 226, इसके अगर अंदर अगर हम देखें तो ये जो है न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो है सौंपते हैं। एक्चुअल में भारत के अंदर संविधान जो है वो सुप्रीम है और उसकी जो है सैंक्शनिटी बनाए रखने के लिए जो है संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया है कि जो है वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच करे और उन्हें अगर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून असंवैधानिक हैं तो उन्हें जो है नल एंड वॉइड घोषित करते। जस्टिस मुखर्जी के अनुसार संसद और राज्यों में विधानमंडलों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही जो है कार्य करना होगा। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किन आधारों पर किसी भी कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? पहला कि विधायी क्षमता, यानी संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित की गई है, अगर कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का भी जो है कार्य करती है।
अगर राज्य की विधानसभाएं या संसद द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कानूनों को भी जो है न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तीसरा, अगर हम बात करें संविधान के उल्लंघन के संदर्भ में, अगर राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है उसे सीमित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसको जो है पुनः हटा लिया गया। भारत के अंदर अगर हम बात करें, ये जो जुडिशियल रिव्यू के जो अधिकार हैं वो सीमित नहीं हैं, सॉरी वो सीमित हैं, असीमित नहीं हैं। नेहरू के अनुसार भी सर्वोच्च न्यायालय जो है विधानमंडल के तीसरे सदन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। उसकी पहली लिमिटेशन ये है कि भारत के अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है, वो जो आधार है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का आधार है। भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून के जो विवेक और उसकी नीति की समीक्षा जो है न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, यानी न्यायालय किसी कानून की अच्छाई या बुराई की समीक्षा नहीं करता। वो तो केवल इस आधार पर देखेगा कि वो संविधान में जो है इसका संविधान के प्रावधानों से ये अनुकूल है या प्रतिकूल। जबकि अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो जुडिशरी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करती है। तो अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर से बहुत ज़्यादा है। दूसरी लिमिटेशन इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि भारत के अंदर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो लचीली और कठोर दोनों ही है, और समय समय पर जो है पार्लियामेंट ने संविधान में ऐसे संशोधन भी किए हैं जिससे कि जो है न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति जो है वो सीमित भी हुई है। अगर हम देखें तो भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के कारण जो है समय समय पर संवैधानिक संशोधन भी किए गए हैं। फिर इंडिया के अंदर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो एक्चुअल में उसमें क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही जो है इनकी नियुक्तियां की जाती है, तो कुछ ना कुछ जो है न्यायाधीशों पर भी दबाव रहता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो जुडिशियल रिव्यू की जो अधिकार हैं वो सीमित हैं, और ये इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी चाहते थे कि जो न्यायालय है वो समाज की उन्नति में बाधक न बने, और उन्होंने जो है ये चाहा कि जो संसद है वो समय और आवश्यकता अनुसार जो है संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। दुर्गादास बसु ने भी इस चीज़ को माना कि भारत में जो है न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर संवैधानिक सीमाओं के साथ साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। और अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो जुडिशरी है उसने अपने कार्य को बहुत इफेक्टिवली जो है उसको कार्य किया है। उसने मौलिक अधिकारों की रक्षा और इवन संविधान की जो व्याख्या करना और संविधान की जो रक्षा का कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। और जब कभी भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है तो उन्होंने दोनों को सीमित रखने की कोशिश की है। न्यायपालिका ने अगर हम देखें तो मिनर्वा मिल्स केस के बाद और केशवानंद भारती केस में ये बात सीमित, मतलब ये बात भी कर दी
कि जो संसद है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड नहीं कर सकता, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें जो है संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये था जुडिशियल रिव्यू। अब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, या जिसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये एक नई अवधारणा है, जिसका कि अगर हम बात करें संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें कि जो है सार्वजनिक नीति के बारे में जो है न्यायपालिका द्वारा अपने कुछ जो है विचार दिए गए हैं। देखो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है न्यायपालिका निष्क्रिय ना पहले कभी थी ना आगे कभी रही है। जब भी न्यायपालिका को लगा कि कोई ऐसे मामले जो कि अधिक संवेदना और जन सामान्य के हित में हैं, तो उन्होंने उस पर पहल करके जो है उनको निपटारा करने की कोशिश भी की है। और इस विचार की जो ठोस रूप में अगर हम बात करें तो जस्टिस भगवती के समय पर जो है ये जो न्यायिक सक्रियता की अगर हम जो बात करते हैं उसकी शुरुआत हुई, जब उन्होंने एक पोस्टकार्ड पर की गई प्रार्थना को ही याचिका के रूप में जो है स्वीकार करने की बात, मतलब उसे याचिका के रूप में ही स्वीकार कर ली। ठीक है, तो ऐसे मामले जहां पर ये देखा गया कि जो कार्यपालिका है या जो व्यवस्थापिका है वो अपने कार्य को इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है, तो ऐसे मामलों में जो है न्यायपालिका ने आगे आकर जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को उनको उनके जो कार्य थे उन्हें करने के लिए उन्हें कहा। ये जो न्यायिक सक्रियता है इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं जाकर जो है वो न्यायालय के समक्ष जाकर जो है न्याय की याचना करे। न्यायालय को अगर खुद लगता है कि ये जो मैटर है ये सार्वजनिक महत्व का मैटर है तो वो इसमें जो है इंटरफेयर कर सकती है। एक्चुअली ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसने जो है न्यायिक पुनरावलोकन की भी जो शक्ति है उसका विस्तार किया है। अगर हम कहें इट इज़ ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसी का ही ये जो है एक एक्सटेंशन मात्र ही है। जैसे कि अगर हम देखें गोलकनाथ मामले में जहां पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मौलिक अधिकार है वो जो है उनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, या जो केशवानंद भारती का जो मामला रहा उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया कि व्यवस्थापिका द्वारा जो है संविधान के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब जो न्यायपालिका जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलों में भी जो है वो मतलब अपने निर्णय दे रही है, जैसे कि हम बात करें जो कि भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं जिसमें कि 2G घोटाला रहे या और जो मामले रहे हैं उसमें भी जो है समय समय पर अपने निर्णय दे रही है। इसमें न्यायपालिका जो है कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय की भी जो है बात कर रही है और समय समय पर शासन को आवश्यक निर्देश देने का कार्य भी जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह जो न्यायिक सक्रियता है इसकी बहुत आलोचना भी हो रही है और ये माना जा रहा है कि यह एक तरह की न्यायिक तानाशाही की स्थापना की बात हो रही है और कि कोई भी जो है गैर निर्वाचित संस्था जो है नीति निर्धारक निकाय का कार्य नहीं कर सकती। गैर निर्वाचित संस्था यानी जो न्यायपालिका है वह नीति निर्धारण करने का कार्य नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम एक स्थिति देखें तो जो भी निर्देश उसके द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जैसे हम देखें जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा
जो थे उसके अंदर जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो है वास्तविक जो है स्थितियों को ध्यान में देखकर जो है न्यायपालिका द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं। और ये जो है ये निर्णय इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि कई बार जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा जो है वो अपने कार्यों को वो इफ़ेक्टिवली जो है वो कर नहीं पा रही। तो ऐसे समय में क्या है जो व्यक्ति है वो न्यायपालिका की ओर देखता है और पालकी वाला का भी मानना है कि यदि कार्यपालिका मतलब सजग होती तो न्यायपालिका को जो है सक्रिय होने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसमें कोई दोराया नहीं है कि न्यायिक सक्रियता जो है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ जो है ये जो आशंका है कि न्यायिक सक्रियता जो है कल को अगर हम देखें तो जुडिशियल ट्रेनी की तरफ ले जाएगी तो ऐसा नहीं है। ये जो न्यायिक अगर हम बात करें सक्रियता ये अगर वही बात है अगर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है यदि अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहे तो ऐसी स्थिति ही नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा अपना कार्य नहीं होगा सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायपालिका जो है वो आगे आ रही है तो उसको आगे आने से रोकना होगा और ये देखना होगा। इवन इंडिविजुअल को भी जागरूक होना होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना होगा और ये देखना होगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा अपना कार्य किया जाए। और जो है बेसिकली इसी के साथ साथ ये न्यायाधीशों का भी जो कर्तव्य होगा कि वो उनके जो अधिकार क्षेत्र है उनमें उनसे आगे ना आए और जो सार्वजनिक हित के जो मामले हैं उनको शीघ्र ही निपटाए। तो अगर हम बात कहते हैं कि जहां हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि इस न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में तो इन्होंने मदद की ही है और उन्होंने लोकतंत्र के आदर्शों को भी जो है मतलब ध्यान में रखा है। तो आज हमने जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका का वह अधिकार जिसमें वो इस चीज़ को देखे कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ऐसा कोई कानून तो नहीं बना रही जो कि संविधान का उल्लंघन करती है। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और इसी के साथ साथ हमने न्यायिक सक्रियता पर भी जो है परिचर्चा की। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।